Dear friends, today we will start a new chapter named friction. अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था और उसमें हमने पाया था कि न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, यदि उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो उस पर एक्सेलरेशन डेवलप होगी, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। और यदि ऑब्जेक्ट मूविंग में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाया जाएगा तो फिर वो उसका एक्सेलरेशन रिड्यूस होगा, डिसेलरेशन कंडीशन डेवलप होगा और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन डेवलप होता है, यही हम लोगों ने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता किया था। अब हम लोग एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं। आप सभी लोग कैरम बोर्ड खेलते होंगे, निश्चित रूप से बचपन में खेला होगा। आप लोग कैरम बोर्ड में क्या करते हो, तो स्ट्राइकर को अपने फिंगर से मारते हो। स्ट्राइकर क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, फिर धीरे धीरे करके वो कुछ दूर आगे जा करके रुक जाता है। आप फिर क्या करते हो, स्मूथ मूविंग के लिए उस पर कुछ पाउडर डालते हो। जब पाउडर डालते हो तो थोड़ा सा फोर्स लगाने के बावजूद भी स्ट्राइकर बहुत दूर तक जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक निश्चित दूरी जाने के बाद वो स्ट्राइकर फिर से रुक जाती है। तो आपने फोर्स कहाँ अप्लाई किया, जब आप फिंगर से स्ट्राइक कर रहे थे उस समय फोर्स अप्लाई किया था, तो उस समय तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन डेवलप हुआ था और एक्सेलरेशन की वजह से उसने मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन ऑन द पाथ उस पर तो आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर उसका वेलोसिटी कैसे कम हो रहा है, फिर वो रुक कैसे जा रहा है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो उस पर लग रहा है वो तो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, उस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रुक रहा है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है वो सरफेस उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, उसके मोशन को अपोज कर रही है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। एक कंडीशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक सरफेस पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है। अब आपने इस पे पुश करना शुरू किया, मान लीजिए इसका फोर्स एफ है, तो ये बॉक्स को इमीडिएटली मूव करना चाहिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है और फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो इसको मूव करना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा और उस पर जोर से धक्का लगाते हो, फिर नहीं मूव करता है तो फिर उस पर और जोर से धक्का लगाते हो, तो जब काफी इनफ फोर्स उस पर अप्लाई हो जाती है उसके बाद यह ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो आखिरकार ऐसा क्या चीज है जो कि उसके उस मोशन को अपोज कर रहा है। अगर हम लोग इसको इस ओर धक्का दे रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात, तो ये जो फोर्स है, जो ये अननोन फोर्स है जिसको हम लोग देख नहीं रहे, जिसको हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट रखा है वह सरफेस उस पे अप्लाई कर रहा है, इसी फोर्स को, इसी अननोन फोर्स को जो बिना हम लोगों को लगाए आ जाता है पिक्चर में, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वजह से यह एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे बराबर जीरो हो जा रहा है। अब इस एफ को हम लोग बढ़ाते हैं, जब एक निश्चित क्वांटिटी में जब हम लोग इसको बढ़ा देंगे, एक ऐसा समय ऐसा आएगा कि एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर सम एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो उसके बाद आप
जैसे ही जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मोशन को स्टार्ट होने से रोकता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन को रिड्यूस करता है, उसको स्टॉप कर देता है यदि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। जिस तरह से कैरम बोर्ड में जब हम लोग स्ट्राइकर को एक बार मार देते हैं तो उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होता है ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द पैरेलल ऑफ द सरफेस, तो वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। यह रोकने का जो काम कर रहा है वह जो एजेंसी है, वह जो फोर्स अप्लाई हुआ जो बिना बताए पिक्चर में आ गया, उसी को हम लोग फ्रिक्शन, बिन बुलाए मेहमान है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, बिन बुलाए मेहमान, हमने उसको बुलाया नहीं था लेकिन फिर भी आ गया, समझ में आई बात। तो उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ये किस तरह से अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए आपका एक सरफेस है और इसमें थोड़ा सा बम्प है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और इसपे जब अप्लाई करते हैं फोर्स तो इस बम्प की वजह से ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा होता है, लेकिन इसपे बहुत ज्यादा फोर्स करते ये हो सकता है इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हुए ऊपर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे ये बम्प बहुत ज्यादा होगा तो आप कितना भी धक्का लगाएंगे वो उस साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं उस सरफेस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये घर्षण बल, घर्षण ना कहीं कहीं अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है इसमें कुछ इस तरह से बम्प्स है जो बम्प्स इसको आगे की तरफ मूव करने नहीं दे रहा है, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है क्या। आप लोग, हम सभी लोग अपनी आंखों से किसी भी प्लेन को देख करके बोलते हैं कि यह रुक रहा है या फिर प्लेन है। तो अक्सर जो सरफेस जिसको हम लोग अपने आंख से देखते हैं वो प्लेन हो सकता है, लेकिन यदि इसी सरफेस को यदि माइक्रोस्कोप से आप लोग देखेंगे और भी यदि स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सरफेस है यह इस तरह से बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये इसके बीच में कुछ इस तरह से बम्पिंग वम्पिंग है, इस तरह से करके आपको दिखेगा। मतलब जो आपको सरफेस खुली आंखों से प्लेन दिखता है वह वास्तव में प्लेन नहीं होता, वो उसमें भी कुछ ना कुछ रुखरापन होता है। जो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब देखेंगे, स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से सरफेस को देखेंगे तब आपको ये चीजें दिखाई देंगी। तब इस तरह से जो दो सरफेस है आपस में कॉन्टेक्ट बनाएगी, इसके ऊपर एक सरफेस हो गया, तो आप लोग देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो सरफेस है ये आपस में इंटरलॉक हो जा रही है। क्या हो रही है, एक इंटरलॉक हो जा रही है। दूसरा चीज होता है कि जब ये दो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं दो सरफेस के, तो वो आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन उसमें जाने लग जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लग जाता है। तो एक तो बॉम्ब्स जो आपस में एंगेज हो गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेगा मोशन को, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, बेसिक रीजन है, वो ये है कि ये जो दो बम्स है वो आपस में इतना पास जुड़ जाते हैं कि एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन पास करना शुरू कर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड। अब इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक, जब दो सरफेस को एक दूसरे से हटाना है तो इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और उस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर के ये जो है केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस समय भी
नए नए केमिकल बॉन्ड बनते रहते हैं और फोर्स की वजह से वो नए नए केमिकल बॉन्ड ब्रेक भी होते रहते हैं। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है उसका मेकिंग और ब्रेकिंग होता रहता है ड्यूरिंग मोशन। अब ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग होता है तो इससे क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है और इस हीट के रूप में इसमें एनर्जी लॉस होता है। इसलिए जब दो सरफेस आपस में मूव करती है तो वो गर्म हो जाती है। जैसे आप अपने हाथ को इस तरह से करेंगे तो थोड़ी ही समय में आपको हीट का थोड़ा सा गर्माहट का जो है ना अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके जो केमिकल बॉन्ड है जो आपस में टच होने की वजह से बन रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और बन भी रहे हैं साइमल्टेनियसली, बनते हैं और ब्रेक होते हैं, उसकी वजह से उसमें क्या है ऊर्जा डेवलप होती है, वही ऊर्जा बाहर निकल के हाथ को गर्म कर देती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से दो सरफेस के बीच में, सरफेस इन कॉन्टेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है जो केमिकल बॉन्ड बनता है वगैरह, ये सब कई चीजों पर डिपेंड कर सकता है कि कौन से मटेरियल आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स डिफरेंट लेवल का केमिकल बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए अलग ज्यादा फोर्स लग सकता है, किसी में कम फोर्स लग सकता है, तो वो उसके मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका यदि मॉइस्चर वगैरह होगा तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो चेंज कर सकता है। मटेरियल हो गया आपका, मॉइस्चर्स हो गए, इस तरह से करके कुछ जो इन जनरल जो फ्रिक्शन है वह आपका सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है। और ये जो फ्रिक्शन है यह सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाँ, वेट यदि जाता हुआ तो उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स ज्यादा लग जाएगा और नॉर्मल फोर्स की वजह से ये जो दो है आपस में ज्यादा दब जाते हैं तो उसको ब्रेक करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो नॉर्मल फोर्स यदि बढ़ता है तो फिर ये फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो इसलिए इन जनरल फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है। ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इन जनरल यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉपर्टी देखिए, ये जो हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कोई कॉन्स्टेंट चीज नहीं है, इस चीज को याद रखिए। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F is equal to 4 न्यूटन, तो इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि F माइनस फ्रिक्शन फोर्स वुड बी जीरो। तो जब फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है तो ये आपका फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन लगेगा, जब ये 6 लगेगा तो ये भी आपका 6 लगेगा, ठीक है। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, मान लीजिए 10 न्यूटन पहुंचने के बाद इसका फ्रिक्शन जो है इसे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, तो एक फ्रिक्शन जो होगा एफ मैक्स वैल्यू तक जाएगा। एस एफ मैक्स वैल्यू से जब क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद भी यदि फोर्स को आप बढ़ाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग में थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन मोशन है, ऑब्जेक्ट इन मोशन है, तो ये एफ माइनस एफ मैक्स ये मोशन की कंडीशन में थोड़ा सा कम हो जाता है जब ये स्टैटिक कंडीशन होता है। तो ये वाला इक्वेशन लग जाएगा। इसका ग्राफ यदि हम लोग बनाना चाहेंगे ग्राफ यदि हम लोग बनाना चाहेंगे तो देखिए, ये आपका
ये आपका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ, ठीक है, और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सो बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद फिर ये अचानक से थोड़ा सा कम होकर के कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब फोर्स हम जीरो लगा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन हमारा जीरो है, यदि हमने फोर्स थोड़ा सा बढ़ाया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसके और बढ़ाया फोर्स तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स बढ़ेगा, यहां जाने के बाद इसका फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आ जाता है और उस समय फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई होता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाता है और उसके बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है, लेकिन वो जो फ्रिक्शन रहता है वो फ्रिक्शन आपका कॉन्स्टेंट रहता है, ये जो फ्रिक्शन है आपका, ये आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात? ये जो आपका फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन आपका, ये फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन है, ये क्या है, फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन है, फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन। तो जो ये रिलेशन की बात हम जो कर रहे थे, ये नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये टू ऑब्जेक्ट्स है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मास mg लग रहा है और इस पे आपका न्यू नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट ये फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू दैट कैन बी सेड एज एफ मैक्स, दैट इज पैरेलल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस नॉर्मल फोर्स, और इसके प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो एफ मैक्स है, जब ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा था तो एफ मैक्स हमारा ये कंडीशन था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये स्टैटिक कंडीशन होता है उस समय हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर, हम लोग लिख सकते हैं इसको म्यू एस, और इसको बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो जब व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देन एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो फ्रिक्शन होता है दैट अपोजेस द मोशन, द रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू कर देता है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस,
तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का सिचुएशन होता है, और उस समय एफ मैक्स इज इक्वल टू, उसको हम लोग म्यू के एन लिखेंगे। क्या लिखते हैं? म्यू के एन। और ये जो म्यू के एन है, दिस म्यू के एन इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इन जनरल अभी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट, इन जनरल जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वह लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये आप लोगों ने इस ग्राफ में भी देखा होगा कि जो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज लेसर देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, देन द मैक्सिमम, देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी हायर। सो फॉर दिस रीजन वी विल हैव म्यू एस, और फॉर दिस रीजन वी हैव म्यू के। Now see this mu s and mu k comes in picture only when the friction is maximum for the situation where force is lesser than maximum possible friction. In that condition, this F comes from the simple formula, the force applied. This F is not related to this mu s or mu k. In fact, we should not think about mu k, because whenever we are thinking about mu k, we are always thinking about the maximum possible friction, because when an object is in motion, the friction is constant for the period of motion, because that friction comes from mu k into normal force. So normal force is not changing and mu k is constant. So mu k into n. So during motion, friction will remain the same. ठीक है? Now the question comes, what is the direction of friction? What is the direction of friction? Friction किस दिशा में लगेगी? अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस पे रखा हुआ, इस समय यह किस दिशा में इस पे फ्रिक्शन लगेगी? तो न्यूटन्स लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको पता चलता है, चूंकि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, सो देयर इज नो फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस, सो देयर इज नो फोर्स, सो इन दैट कंडीशन देयर विल बी नो फ्रिक्शन। बट द मोमेंट यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, एन अपोजिंग फोर्स विल डेवलप, and that is the, we have already discussed, that is friction. So that friction will oppose the applied force. What do you mean by this oppose the applied force? Applied force want to move an object in a particular direction, and friction force opposes the motion of that object in opposite direction. So this friction is applying in the impending motion, direction of impending motion. यदि हमने force इस पे apply किया, तो this object का जो impending direction of motion है, वो इस दिशा में होगी। तो जो friction apply होगा, वो इसके opposite दिशा में होगा। जैसे कोई inclined surface पे कोई object रखा हुआ है, तो इस पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका वेट की वजह से
वेट की वजह से एक आपका एमजी लगेगा और इस एमजी को यदि हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, ये एमजी कॉस अल्फा होगा और ये हमारा एमजी साइन अल्फा। नाउ देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो सम नॉर्मल फोर्स विल अप्लाई टू बैलेंस दिस, सो दिस इज आवर नॉर्मल फोर्स। Now, force is applied on this object in this downward sloping directions. So, this object is intended to move in this sloping direction. So, the impending direction for motion for this object is downwards. So, friction will go to upward. So, we can write this equation like n minus mg cos alpha is equal to 0, n is equal to mg cos alpha, and this will be mg sin alpha minus f is equal to ma, as there is no motion, so this will be again 0. Now what is the value of this f? This value of f is equal to mg sin alpha. Can we write this mg sin alpha is equal to mu s n, means mu s mg cos alpha. Can we write this? Please tell me. So we are not sure that we can write like this or not. We are not sure. There is a question mark. Because this relation is applicable in that situation where friction, that there is a limiting value of friction. So is this friction, is the limiting value of friction that can be applied on this object surface? So in that situation, if we increase this, like we have to, for increasing this value, we have to increase this alpha. So after increasing this inclination angle, after some time the object start falling. In that situation, let alpha is equal to theta, the object will start slipping. Start slipping downward. And in that condition, F will be mg sin theta, and this is F max. And now we can write this mg sin theta braver mu s, this alpha will also become theta, mg cos theta. ठीक है, so what is this? This mg will, you can remove this mg, you can remove this mg. So mu s is equal to tan theta. So this is a way also to find out the value of
coefficient of static friction. We can also calculate the coefficient of a static kinetic friction from this also, because after when object start moving, we can reduce theta a little bit lesser, and that will be like theta prime. And in that situation, this F max prime will be mg sine theta prime. This is kinetic friction, and then it becomes mu k is equal to tan theta prime. Here theta prime will be less than theta. Okay, thank you.